बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रिसमस के मौके पर रणबीर कपूर का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वे केक पर शराब डाले जाने के बाद उस पर आग लगाकर जय माता दी बोलते हुए नजर आए थे। सोशल मीडिया पर रणबीर के इस वीडियो की काफी आलोचना भी हुई थी। मुंबई के एक एडवोकेट को ये वीडियो पसंद नहीं आया और उन्होंने बुधवार को घाटकोपर पुलिस स्टेशन में रणबीर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पीटीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाले संजय तिवारी ने दावा किया है कि वीडियो में अभिनेता जय माता दी कहते हुए केक पर शराब डालते हैं और आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि हिंदू धर्म में अन्य देवताओं का आवाहन करने से पहले अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है, लेकिन रणबीर और उनके परिवार के सदस्यों ने दूसरे धर्म का त्योहार मनाते समय जानबूझकर नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया और जय माता दी का नारा लगाया। इसमें आरोप ये है कि इससे शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। एडवोकेट ने कहा है कि जिस तरह से रणबीर शराब डले केक को आग लगा रहे हैं और जय माता दी बोल रहे हैं, इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही एडवोकेट ने मांग की है कि एक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज हो, जो कि सेक्शन 295A, 298, 500 और 34 के अंतर्गत FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। हालांकि अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है और ना ही पुलिस ने FIR दर्ज किया है।